तो भाई लोग, सुबह सुबह धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से आलिया भट्ट का और एक नया फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया है जिसका नाम है जिगरा, जो डायरेक्ट करने वाले है भसन वाला। और अगर तुम लोग भसन वाला को नहीं जानते हो तो जिन्होंने मोनिका ओमाई डार्लिंग बनाया कुछ दिन पहले, साथ में करण जौहर का नाम है तो उनका तो हेल्प रहेगा, ये तो हम लोगों को मालूम ही है। तो चलो बिना देरी किए सीधा चलते हैं अनाउंसमेंट टीजर पे, उसके बाद बाकी बात करते हैं। और तब तक के लिए यार, चैनल पे नया हो तो कर दो यार सब्सक्राइब। बोलते बोलते थक चुका हूँ, 60-70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तुम लोग यार कर दो यार। देख, देख मुझे। मेरी राखी पहनता है ना तू? तू मेरे प्रोटेक्शन में है। अच्छा, तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी, कभी भी। ओ। VFX तो तगड़ा बना है। करण जौहर प्रोड्यूस, अच्छा डायरेक्टर ड्राइवर वाला। 27 सितंबर 2024, अच्छा एक साल बाद आज के दिन में। यार देखो, जितना दूर मेरे को आलिया भट्ट का डायलॉग सुन के लगा वही वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके कुछ दिखाया जाएगा, जिधर आलिया भट्ट खुद का भाई को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि राखी वाला सिनेरियो हम लोगों को सुनने को मिला। और बाकी भसन वाला का बात करूं तो मैं उनका उतना तो मूवीज देखा नहीं हूं, बट रिसेंट वही एक राजकुमार राव का मोनिका ओमाई डार्लिंग वाला मूवी देखा हूं, जो मेरे को उतना भी खास नहीं लगा था, एवरेज कह सकते हो। और बात करूं ये मूवी को लेके, साथ में करण जौहर का तो सपोर्ट रहेगा ही, तो आई थिंक एक नया कुछ कॉन्सेप्ट वाला स्टोरी तो देखने को मिलेगा ही। बाकी यार लिटरली बताओ, आलिया भट्ट को ये सब रोल में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली राजी, गंगूबाई कथियावाड़ी, देन गल्ली बॉय, तो इतना तो गारंटी है बॉस, आलिया की तरफ से उतना भी निराशा नहीं मिलेगा। बाकी आई होप स्टोरी राइटिंग बहुत मजबूत हो जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। बाकी और क्या, वेट करते हैं, फिर से एक साल बाद मिलेंगे इस टॉपिक को लेके हम लोग। बाकी अगर मिड में कुछ छोटा मोटा न्यूज आए तो वो सब हम लोग न्यूज में कवर करेंगे, जिसके लिए तुमको मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी तुम लोगों का क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर चैनल पे नया हो तो यार कर दो सब्सक्राइब, फ्री है वो बटन, पैसा नहीं लगता। बाकी अगर इस वीडियो में कुछ पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं तुम लोगों से अगला वीडियो पे, तब तक के लिए मेरा इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।